यार भगवान भैरवनाथ की कृपा से आप सिर्फ फोटो देख करके किसी के ऊपर से तंत्र मंत्र समाप्त कर सकते हैं, उसको अपना बना सकते हैं, उसको अपने अनुकूल चला सकते हैं। आप चाहे शादी के पहले का रिलेशन हो, चाहे शादी के बाद का रिलेशन हो, या वैवाहिक रिलेशन हो, या पारिवारिक रिलेशन हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, इसको त्वरित ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास सिर्फ उनका फोटो पिक्चर है, अगर आप अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने साथी को, अपने जीवन साथी को, अपने लव पार्टनर को, जिसको भी आप अपनाना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात कि अगर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत पिशाच किया कराया, तंत्र मंत्र या किसी ने छीन लिया है कुछ गलत करके, अगर आपके अपने पार्टनर पर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आपको ऐसा किसी भी तरह से प्रतीत होता है, या किसी ने बताया है, या कैसे भी आपको यह पता चल गया कि आपके अपने पार्टनर के ऊपर किसी ने तंत्र किया है, किसी ने अभिचार करके उसको अपने वश में कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, और आप उसको फिर से पाना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आपने पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से अपने पार्टनर को चाहा और उसे अपना बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया, आप हर जगह जाकर के प्रयासशील भी होते रहे, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली, हजारों उपाय किए, सब कुछ, हर संभव कोशिश की, फिर भी अगर आपको आपका रिलेशनशिप में बेनिफिट नहीं मिला, तो आज का दिन आपका अपना है। आज के दिन में ये उपाय करके आप त्वरित लाभ पाएंगे, क्योंकि ये भगवान भैरवनाथ की उपासना है। भैरवनाथ के इस बीज मंत्र को आप फोटो के साथ प्रयोग करके किसी के भी ऊपर से तंत्र मंत्र किया कराया या उल्टी सीधी चीजें खत्म कर सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, गलत चीजें करके किसी ने कुछ खराब करने की कोशिश की है, वो चाहे कोई भी हो, उसका त्वरित आपको लाभ मिलेगा, आपको पता चलेगा और आपको मालूम पड़ जाएगा किसने किया, आप उसे ठीक कर पाएंगे स्वयं ही। बस ध्यान रहे, तुम्हें रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, मुस्कुराना है, अपने को सुंदर बनाना है, पैसों का आदान प्रदान किसी भी सूरत में नहीं करना, किसी भी रिलेशनशिप में आप उसे कुछ भी मानते हो पर पैसों का लेन देन करके करके रिलेशनशिप ठीक नहीं होते। अगर तुम डर की वजह से, भय की वजह से, आपको लगता है कि कहीं अगर हमने ऐसा किया तो ये ना हो जाए, छूट ना जाएगी रिलेशन, तो आप समझ जाना कि वो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि ये तुम्हारा डर उसे छुड़ा ही देगा, कोई नहीं बचा सकता। ऐसी किसी भी अव्यवस्था के साथ सीधा तालमेल बिठाता है ये प्रयोग। भगवान भैरव से बड़ा पूरे के पूरे विश्व में तंत्र के मामले में दूसरा देवता नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि भैरव दर्शन करो, अगर भैरव दर्शन नहीं है आपके आसपास, मंदिर नहीं है, तो कोई खास बात नहीं, आप ऑनलाइन कर सकते हो, भैरव जी की कोई तस्वीर रख सकते हो अपने पास में। भैरवनाथ की कृपा से वो सब संभव हो सकता है जो कभी किसी को नहीं मिला। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, सजीव, सजीव मतलब आपके पास वो कॉपी होनी चाहिए अलग से कागज पे। उस फोटो को एक बड़े कागज के ऊपर रखना है और जिस कागज पे आप रख रहे हो उस कागज को पूरा का पूरा हल्दी से रंग देना है, उसके ऊपर पलट के रखना है, हल्दी की तरफ उनका मुंह होना चाहिए, और उसको रैप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एक पर्दा बनाइए और ठीक अपने सामने रखिए। भैरव भगवान को याद करिए, दो अगरबत्ती जला दीजिए, एक आसन काला नीला बैंगनी कोई भी रख सकते हो, लाल पीला नहीं रखिएगा, कोशिश करिएगा कि काला हो नीला हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। अगरबत्ती के साथ साथ आपको कुछ बतासा या चीनी का उसी जगह भोग लगा देना है, अगरबत्ती के पास में ही, कोई फोटो और की जरूरत नहीं है, बस उसी के पास भैरव जी का ध्यान करना है, और ये मंत्र केवल 3 बार बोल देना है। ओम बम बटक भैरवाय नमः, ओम बम बटक भैरवाय नमः, ओम बम बटक भैरवाय नमः। अब ये 3 बार आपको इसी स्वर में इसी तरीके से उच्चारण करना है और उस फोटो को किसी भी गरु चीज के नीचे दबा देना है, भारी चीज के साथ। ये
क्रिया आपको निशारात्रि या अर्धरात्रि में करनी है, सायंकालीन सूर्यास्त के बाद या तो अर्धरात्रि 12 बजे के आसपास अगर ये उपाय इस ढंग से आप करते हो तो इसका त्वरित लाभ होगा। उस फोटो को तब तक दबे रहने देना जब तक आपको ये ठीक होता नजर नहीं आता। जरा सा भी आपको इसमें बेनिफिट नजर आए, आप त्वरित इस चीज के लिए संपर्क करें और इसको पूरा ठीक कराएं, क्योंकि कदाचित हो सकता है कि प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो, प्रभाव थोड़ा बड़ा हो, तो एक तिल के बराबर भी अगर परिवर्तन आया तो आप समझ जाना आप सही दिशा में हो। इसका पूरा सही से इलाज करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज से संबंध रखता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये उपाय करें, भगवान भैरव आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और संपत्ति लेकर के आए। आप खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें, खूब जीवन में आप उन्नति करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। भगवान शिव आपको बेहतर करें। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना, रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929।